अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम लोग एडिट रिकॉर्ड के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला काम फाइल पर जाके न्यू पे, और मैं यहाँ पर आके एक एडिट रिकॉर्ड की फाइल क्रिएट कर रही हूँ जिससे मैं डेटा को एडिट कराऊंगी। दैन क्लिक हियर एडिट एडिट रिकॉर्ड, ठीक है जी, एंड देन सेव करवा दिया इसको मैंने। सबसे पहला काम इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं कर क्या। सबसे पहला काम मैं एडिट रिकॉर्ड पर आऊँगी, इंसर्ट एंड फॉर्म लेना है मुझे इस ग्रिड पर आकर। मैंने यहाँ से फॉर्म ले लिया। फॉर्म लेने के बाद इसके अंदर मैं ज़रा दिखा दूँ इंक्रीज करके आपको, मैंने ये रेड फॉर्म लिया। इस फॉर्म के अंदर मैंने बटन क्रिएट करना है और इस बटन का नाम मैंने रखना है एडिट, ठीक है जी, एडिट क्वारी, ठीक है जी। इसके बिल्कुल बराबर में, इस बटन के बराबर में मुझे लेना है एक हिडन फील्ड। हिडन फील्ड यूज़ होती है रिलेशनशिप के लिए बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। तो यहाँ पर इस पर मैंने क्लिक करके रखा, मैंने इसका नाम रखा एच एफ हेडिट एडिट, एंड देन यहाँ से रिलेशनशिप देना है मैंने आईडी का, ठीक है जी, एंड देन ओके डिक्लेयर हो गया। इसके बाद सही है, इसके बाद मैं दोबारा अपने एडिट पेज के ऊपर जाऊंगी और यहाँ पर मैंने एक सबसे पहला काम एक फॉर्म लेना है। फॉर्म में मैंने टेबल ऐड कराने हैं, एडिट रिकॉर्ड रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय, ओके। देन यहाँ पर आकर मुझे कॉलम टू कर देने चाहिए। सबसे पहला काम आईडी, या यू राइट हियर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आई डी, देन एम्प्लॉय नेम, देन एम्प्लॉय नेम के बाद क्या था, एज, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट्स, ठीक है। एडिट रिकॉर्ड, पीसेट रिकॉर्ड, ओके जी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम आई हैव जस्ट वांटेड ऐड द टैग्स बॉक्सेस। नाम वही बात है, इफ़ यू वॉन्ट टू गिव द नेम एज वेल आप दे सकते हैं, मैं नहीं दे रही हूँ, मैं डायरेक्टली काम कर रही हूँ, दैट्स वाई, ठीक है। ये मैंने फाइव फील्ड्स आपके सामने सीक्वेंस से दे दी हैं कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। प्रथम हम आते हैं इसके रिकॉर्ड सेट के ऊपर। सबसे पहला काम आपका रिकॉर्ड सेट क्रिएट करना है बाइंडिंग के ऊपर। बाइंडिंग पर आऊँगी एंड देन क्लिक ऑन द रिकॉर्ड सेट क्वेरी। यहाँ पर आके मुझे जो है वो लिंक देना है आईडी के ऊपर, फॉर्म वेरिएबल और एच एफ एडिट, वो वहाँ जो मैंने हिडन फील्ड बनाई है, ठीक है, एंड देन ओके, सही है जी। तो यहाँ पर आकर मुझे इन आईडीज को इनके अंदर रखना है, आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, देन जेंडर,
सॉरी जेंडर नहीं है मेरे पास। एज है, एज, डेजिग्नेशन एंड लास्ट ऑन द लिस्ट आर डिपार्टमेंट। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप सिंपल सर्वर बिहेवियर पर जाएंगे और यहाँ से आपने क्लिक करना है अपडेट रिकॉर्ड के ऊपर। सबसे पहले आईडी का लेंगे, आपका टैक्स फील्ड, उसके बाद एम्प्लॉय फील्ड के अंदर टैक्स फील्ड 2, तो ये सीक्वेंस चलेगा। जेंडर मैंने नहीं दिया, एज दिया है। टैक्स फील्ड 3, डेजिग्नेशन टैक्स फील्ड 4 एंड डिपार्टमेंट टैक्स फील्ड 5। ओके, आफ्टर अपडेट होके कहाँ जाएगा ये टैक्स? आफ्टर अपडेट होके ये जाएगा डेटा ग्रेड के अंदर। ठीक है, देन ओके। ठीक है जी, फाइन। सेव ऑल कर दीजिए रिकॉर्ड्स को सारे, और अब मैं इसको रन कराने जा रही हूँ। तो एक चीज़ मैं भूल गई, यहाँ फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ एक्शन है। एक्शन का मतलब कि जब भी आप एडिट पर क्लिक करेंगे, आपका अपडेट एडिट रिकॉर्ड का फॉर्म खुल जाएगा। फाइल सेव ऑल, और मैं इसको अब रन कराने जा रही हूँ। ओके, रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। मैंने कहा मुझे इसको एडिट करना है। एज 34 थी, मैंने कहा एज 31 है इसकी, एंड देन एडिट रिकॉर्ड। ठीक है, नाउ यू कैन सी द एज ऑफ 31। ठीक है, अगेन एडिट किया मुजम्मल। ओके, एंड देन मुजम्मल अहमद, देन एडिट रिकॉर्ड। अच्छा, मुझे भी यही लग रहा था कि मैंने कुछ गलती कर दी है। डेटा ग्रिड में देखा मैंने एम्प्लॉय नेम की जगह मेल डाल दिया, तो मैं इसको अब जाके ज़रा अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, बस माई मिस्टेक, डिलीट, एंड बाइंडिंग पे एम्प्लॉय नेम था। इट्स ओके, ये थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, इट डजंट मैटर, बट आप इसको अप टू डेट कर देंगे तो इट्स ओके, फाइन। मुजम्मल अहमद, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरा एडिट रिकॉर्ड और दी अपडेट क्वेरी वर्क कर रहा है। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीड रिकॉर्ड की तरफ आएंगे। नाउ देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।